गोरिल्ला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टा, जो कि क्लास 12 का ये आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी क्लास 12 का तैयारी करते होंगे या बीपीएससी TRE4 का भी जो भी एग्जाम देंगे उससे भी ये क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट है, छोटा छोटा जो फॉर्मूला है जो कि बहुत हर बार एग्जाम में आता है वही से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या दिया, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो, अगर सवाल में लिखा रहे कि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो, ए और बी की जगह ई और एफ भी दे सकता है, मतलब किस भी अल्फाबेट रहेगा, जैसे यहाँ ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो आपसे एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर कंडीशन दे दे कि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो क्या बोलेगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। फिर दूसरा पॉइंट, आप कुछ टेंथ में भी पढ़े होंगे क्या, प्रायिकता पी जी बराबर एनी बटे एन एस, इसे प्रायिकता क्या है फॉर्मूला, ये ई क्या है घटना और ये क्या होता है कुल सैंपल स्पेस होता है। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, यही अगर यहाँ ए और बी था दो स्वतंत्र, अभी क्या है ए बी और सी तीन स्वतंत्र घटना हो तो प्रायिकता किसका बनता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, क्या कहता है इसका क्या फॉर्मूला, प्रायिकता ए इंटर बी इंटू सी, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब अगर स्वतंत्र घटना रहेगा क्या हो जाएगा, इंटू हो जाता है, जैसे यहाँ दो घटना था तो इंटू हो गया, कब जब स्वतंत्र घटना हो तभी लगा सकते हैं इसे नहीं। फिर तीसरा क्या, ये भी आप टेंथ में पढ़ाए क्या, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नॉट, ए नॉट का मतलब क्या, ए नहीं मतलब क्या, कोई घटना अगर घट रहा है जैसे इसका मतलब होता है क्या, अगर दो मतलब ए को अगर मान लेते सम संख्या आने की प्रायिकता, ये क्या जाएगा सम संख्या की नहीं आने की प्रायिकता, ये नहीं को दर्शाता है, इसलिए टेंथ में ही पढ़े तो फॉर्मूला की तरह याद कर लेना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है प्रायिकता किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको आप यूनियन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह प्रायिकता ए बाय बी बराबर क्या था, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता बी, या तो आपको ए बटे बी दिया रहेगा या तो आपसे पूछ सकता है कि आप प्रायिकता ए बी बाय ए, क्या पूछ सकता है, जैसे हम ए बटे बी लिखते हैं तो अगर आपसे पूछ सकता है कि आप बी बटे ए का मोड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी आपको पूछ सकता है। ये जितना सारा फॉर्मूला लिखे ये सभी जो है ना हर साल एग्जाम में आते रहता है, इस पे आधार अभी हम क्वेश्चन देखेंगे उसको हम बनाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता ए डिवाइड 8 है, प्रायिकता बी 1/2 है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, तो प्रायिकता ए बटे बी का मान जाता है। तो अभी तुरंत इसका फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला इसका पढ़े, प्रायिकता ए बटे बी, इसका क्या था फॉर्मूला, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता क्या आती है, अब यहाँ से इसी में रख देना, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया 1/4 और प्रायिकता बी का मान दे दिया आपको कितना 1/2, इसी को आप सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये कटेगा 2 से 2 गुना, इसलिए 1/2 बचेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आपका कोई यूज नहीं है, अगर आता तो इसका यूज कब आता, जब आपसे ये पूछ लेता कि आप प्रायिकता बी बटे क्या पूछता, बी बटे ए, तब आप क्या लिखते, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आप बटे क्या प्रायिकता, अगर नीचे में यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, अगर यहाँ आपका नीचे बी था तो यहाँ बी लिखे, अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या लिखे ए लिखे, अब यहाँ से रखेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4, अब बटे प्रायिकता ए का मान कितना दिया 3/8, कितना 3/8, इसी तरह आप इसी को जो सॉल्व करिएगा तो 1/4 है, ये नीचे वाला कलर कहाँ जाएगा ऊपर और ए कहाँ आएगा नीचे, 4 से काटिएगा 4 गुना 8, मतलब ये कितना जाएगा 2/3, अगर आपसे ये पूछता तब ये बनाते, लेकिन आपसे पूछा क्या ए बटे बी, लेकिन हम ये भी बता दिए कि बी बटे ए का मान कितना आ जाएगा 2/3 और इसका कितना आ गया 1/2, लेकिन क्वेश्चन में क्या है ये पूछा है, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रायिकता ए बराबर 3/8 बी बराबर 1/2 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो आपसे पूछा क्या प्रायिकता ए नहीं और इंटरसेक्शन बी नहीं का मान,
आपको इसके बारे में जानना है। अभी इससे पहले हम लोग क्या निकाले, ए बटे बी का मान निकाले, लेकिन आपसे जब ये पूछ ले कि प्राइस था ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का, तो ऐसा आ रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्राइस था क्या ए यूनियन बी का नॉट इस तरह। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा, ये 11th का पार्ट है, अगर कभी भी ऐसा रहे ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नॉट, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का नॉट, इस तरह आप कर सकते हैं। ये सब 11th का टॉपिक, तो क्या करें इतना बराबर ये लिखते हैं। और ये भी आपको याद होना चाहिए क्या, अगर ए नॉट रहता है इसका मतलब हम लोग क्या बड़े बड़े से नहीं लिखते हैं, नहीं तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नॉट बराबर क्या पढ़े थे 1 होता है, लेकिन हमसे यहाँ नोट बराबर पूछ रहा है, इसलिए ऐसा क्या करेंगे, प्राइस का ए नोट का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस है तो घर आ जाएगा माइनस में, ए माइनस बी, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह ए नोट का मतलब क्या, 1 में से उसको घटाना है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस नोट है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, प्राइस का ए यूनियन बी घटा दियो, इसी के अनुसार ये सब प्राइस का ए प्लस प्राइस का ए नोट का मान कितना है 1, हमको ये निकालना है कि प्लस को घर कहाँ जाएगा माइनस में, मतलब ए नोट है जो नोट में मतलब इस सिंबल के नीचे जो आता है वही घटता है, ये हो गया। और ये भी आप पढ़े प्राइस का क्या क्या मान पढ़े, अब इसका अगर मान आप निकाल लीजिए तो समझ लीजिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं, इतना का फार्मूला भी तुरंत लिख सकते हैं, क्या था, प्राइस का ए प्लस प्राइस का बी माइनस प्राइस का क्या ए इंटरसेक्शन बी, ये सब फॉर्मूला है, इतना बराबर ये होता है, नहीं तो आप इसका मान अलग से निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ रख सकते हैं, फिर से भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका मान रखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना दिया 3/8, फिर प्लस बी का मान कितना दिया 1/3 है, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4, अगर आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इसको निकाल चार उसमें इसको या इसको इम्पोर्टेंट इसको लिखो, ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा ए यूनियन बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन था तो यूनियन होना है, यूनियन जगह क्या करना इंटरसेक्शन बना देना है, तो ब्रैकेट करके इस तरह साफ लिख सकते हैं, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी तो लिखा भी है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या हुआ माइनस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 8 और 7 का एलसीएम 24 आएगा, कितना आएगा 24, 3 8 24, 3 3 दिया कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस ये 3 8 यहाँ 8 आ जाएगा माइनस ये 6 तो 24 कितने आ जाएगा, इसके बाद जब इसी को सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा 1 माइनस तो ये जुटेगा 9 8 17, 17 में 6 रह जाएगा कितना आ जाएगा, 17 में 6 जाएगा तो 11, 11 में कितना आ जाएगा 24, उसी तरह फिर इसका जब एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 24 और माइनस कितना 11, तो आप जब घटाइएगा तो इसका मान कितना देगा 13/24, यही इसका क्या हो गया आंसर, ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और लाइक भी कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्रायिकता ए 3/8 प्रायिकता बी 5/8 और प्रायिकता ए यूनियन बी कॉमन 3/4 हो तो प्रायिकता बी बटे ए का मान जाता है। अब यहाँ से आपको जो पूछा है आप उसके बारे में जानते होंगे, प्रायिकता क्या पूछा, प्रायिकता पूछा है बी बटे ए का मान पूछा है, इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ई के इंटरसेक्शन बी बटे क्या प्रायिकता ए, ये तो फॉर्मूला है, अब हमको यही निकालना है, ये निकालना जितना बराबर ये होता है कि हमको तो पता है प्रायिकता ए का मान आपको दिया हुआ है, लेकिन प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं आया था, कि यूनियन का मान दिया इसका मान नहीं दिया था, आपको ये इंटरसेक्शन का मान निकालना पड़ेगा तब आप इसमें रख सकते हो, इसको निकालने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ से ये पढ़े हैं क्या फॉर्मूला, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर क्या था प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी अब माइनस क्या प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, इस तरह से याद कर लेना है। आप ए यूनियन बी का मान आपको क्या दे दिया 3/4 दे दिया, तो यहाँ 3/4 रख सकते हैं, बराबर कितना प्रायिकता ए का मान 3/8 है, फिर प्रायिकता बी का मान 5/8 है, अब उसके बाद ये आपको चाहिए तो ये लीजिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन क्या आती है। अब यहाँ से क्या करना है, ये आपको माइनस इधर करिएगा क्या देगा प्लस, इधर करिए अगर क्या देगा प्लस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये नेगेटिव था तो इधर किए क्या हो गया प्लस, इसके बाद इधर बचा क्या 3/8 प्लस 5/8 और उसके बाद ये प्लस इधर कहाँ आएगा माइनस में 3/4, इसके बाद इसका आप एलसीएम लीजिएगा 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इससे भाग लेंगे 8 से कितना आ जाएगा 3, इससे भी भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 गुना 8 3 गुना 6 आ जाएगा, और ये हो गया 5 3 8
आठ में से आप क्या घटाइएगा, ठीक है, आठ में से घटेगा तो बचेगा दो, दो बचे कितना आठ है, दो बचे आठ का मतलब ये हो जाएगा कितना, 1/4। ये इंटरसेक्शन का मान आ गया, किसका मान आ गया, प्राइस का। ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ गया। अब यही मान यहाँ से आपको रखना है, इसी का फॉर्मूला, ये मतलब इसी का मान सीखा है, देखना होगा फॉर्मूला ये दिया हुआ है। प्राइस का ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, 1/4, 1/4 रख दिया, माइनस क्या प्राइस का ए का मान कितना दिया हुआ है, 3/8, 3/8 कर दिए, इसी को सॉल्व करिएगा तो 1/4 नीचे वाला क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, 4 से काटेगा 4 2 8 नीचे चला जाएगा, 2/3, 3, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था प्राइस का पे आधारित क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। और यदि आपको कोई और किसी टॉपिक को चाहिए, जैसे कोई चैप्टर आपको अगर पढ़ना, अगर नहीं पढ़े 12th में, तो बोलिए, हम उस पर बना देंगे वीडियो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रैक्टा ए बराबर 3/8, प्रैक्टा बी बराबर 1/2, प्रैक्टा ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 दे दिया, तो आपको इसका मान पूछ रहा है। जो चीज का वैल्यू पूछे आपसे, पहले उसके ध्यान देना है। जैसे इसका मतलब आपको क्या होता है, इसका मतलब हम यहाँ का आपको निकाल बताते हैं। जैसे प्रैक्टा क्या दिया है, बी एस बटे 8 है, या नोट इसको पढ़ते हैं, इसको आप क्या नहीं सकते, अभी तुरंत पढ़े फॉर्मूला क्या पढ़े, ए बटे बी पढ़े थे। प्रैक्टा ए बटे बी का क्या था, प्रैक्टा ए इंटरसेक्शन बी थे, ए का जगह क्या ए डैश है, इंटरसेक्शन क्या जगह बी डैश, अब बच्चे क्या नीचे जो होता है उसी के लिए क्या प्रैक्टा क्या है यार, ये डैश, ये फॉर्मूला कौन से थे अपने यहाँ से, जैसे होता है बी बटे बी बराबर क्या होता है, प्रैक्टा ए इंटरसेक्शन बी और बच्चे प्रैक्टा क्या है, इसी तरह भाई जो ए और बी की जगह जो टर्म है उसकी जगह यहाँ रह गई। अब यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा तब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताए जस्ट क्या प्रायिकता ए इंटरसेक्शन, मतलब ये नोट रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो क्या, प्रायिकता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर बटन क्या दिया, प्रायिकता ए नोट आया, उसके बाद ये भी बताया क्या, ये आप लिख लिए तो इसको मिटा दे, आप इसके बाद इसको क्या लिखिएगा, अभी हम भी बताए थे क्या, अगर नोट रहेगा प्रायिकता ए नोट का मतलब क्या बताए थे, 1 - प्रायिकता ए लिखना, इसे जस्ट पहले ही सवाल ये बताए थे, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो प्रैक्टा 1 - क्या प्रैक्टा ए यूनियन बी, नोट रहेगा क्या करना है, नोट हटाने के 1 में से इसको घटा दिया दिया क्या, बट यहाँ भी वही चीज है, नोट है यहाँ भी क्या देगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जितना आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मान और इसका मान निकाल के रख दीजिए, उसके बाद इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, इसका मान यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ क्या प्रायिकता की यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता की अपलस प्रायिकता बी और माइनस प्रायिकता क्या ये इंटरसेक्शन बी, आपको बस सब छोटा छोटा फॉर्मूला याद रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो इस तरह आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। प्रायिकता ए का मान आपको क्या दिया, 3/8 दे दिया, फिर प्रायिकता बी का मान कितना दिया, 1/2 दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया, 1/4, इसी का जो एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 8 2 और 4 करके 8 आ जाएगा, फिर से भाग नहीं रही फिर आ जाएगा ये दो पार्ट से 4 आ जाएगा, ये दो दो 7 7 7 2 घटेगा कितना देगा, 5/8 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसी तरह जैसे आप यहाँ से इसमें क्या करना है, यही मान यहाँ आपको रख देना है, जैसे आप इसमें रखिएगा क्या है, 1 - ये यूनियन बी का मान कितना आ चुका है, 5/8, यहाँ से 5/8 कर सकते हैं, फिर मेन बटा हम गया 1 - ए प्रैक्टा ए का मान कितना दिया, 3/8 है, 3/8 है, आप इसी को जब सॉल्व करिएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से 1/8 का जब लघुगणक दीजिएगा तो 8 आएगा, इधर 8 * 1 क्या देगा, 8 आ जाएगा, माइनस इससे बारिश कर देगा 5, फिर उस तरह नीचे भी 8 एलसीएम आएगा, फिर इसको हल करिए तो 1 * 8 8 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3 3, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 8 से 8 कर देगा, ऊपर में बचा आपका क्या, ऊपर में बच गया 5 8 में 5 जाएगा 3, इधर 8 में 3 जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेन है आपको बस प्रायिकता में क्या देखना, आपको क्या पूछ रहा है तो उसके बारे में याद होना चाहिए, उसको क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ये आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आप इसके शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रायिकता ए बराबर 3/8, बी बराबर 1/2, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, और आपसे पूछा प्रायिकता ए नॉट बटे प्रायिकता बी नॉट, इस तरह से आपको मान अभी तुरंत जस्ट पड़े थी, बी आपका ऊपर था और ये नीचे था, तो आपको क्या करना है, इसका आपको सॉल्व करके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। यदि आपको किसी
सब्जेक्ट में, मतलब किसी चैप्टर का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए कि इस चैप्टर का सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं क्या करूँगा उसका हम वीडियो बना दें। तो यदि आप प्लीज चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उसको भी इस तरह से सब सवाल क्या मिला जाए। और जितना भी सारा सवाल पढ़े सब कहीं ना कहीं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछ चुका है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में।